टाइम एक ऐसी फिल्म है जिसमें चार कहानियाँ हैं और मेरी जो कहानी है जो आफिया की है और ये उसके बारे में है कि एक औरत माँ बनना चाहती है और बिना किसी आदमी के, जो सुनने में तो अजीब लगता है लेकिन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक साइंटिफिक चीज़ है जो एक स्पर्म डोनर की मदद से एक औरत बन सकती है माँ। तो ऐसे देखा जाए तो लोग कहेंगे कि अच्छा ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, शायद आप और मैं इस तरह का कदम ना उठाना चाहें, लेकिन अगर कोई औरत किसी भी वजह से अगर ऐसा करना चाहे तो क्या हमारा समाज, हम लोग क्या उसको उतनी जगह दे सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल चॉइस करे? मुझे पहली बात तो यह है कि कहानी बहुत अच्छी है कि ये कहानी हमें कहना चाहिए, इसमें जो इससे जो हम सीखेंगे वो बहुत ज़रूरी सीख है। और दूसरी बात जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स और उसके साथ जो होता है सबसे जो हमारे भीतर एक भय रहता है एक ना एक चीज़ के बारे में जिसको हमें शर्म लग हम शर्मिंदा होते हैं, जब वो निकल आता है खुलेआम सबके सामने तो हमें कैसा फील होता है। सो आई वॉन्टेड टू ऑल्सो आई वॉज वेरी अट्रैक्टेड टू दैट टू गो टू दैट इमोशनल प्लेस। इसी तरह चारों कहानियाँ बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज, बहुत ही बेसिक इश्यूज के बारे में हैं। आई एम मेघा मैनेकी एंड मेघा एक कश्मीरी पंडित है। उसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि प्रॉब्ली 18-19 साल पहले जब वहाँ पर दंगे हुए, जब मुसलमान और हिंदूज में ये तनाव रहा, बहुत ज़ोर का तनाव था, तो ये हिंदू फैमिली को उनके माँ बाप यानी कि मेघा माँ बाप उनके भाई इनको मतलब जान बचा कर रातों रात अपनी पूरी जायदाद अपने पूरे घर बार को छोड़कर मतलब वहाँ से भागना पड़ा। और भागे तो मतलब रास्ते में पहुँच गए, रेफ्यूजी कैंप में आ गए, मतलब फिर और पेरेंट्स पर ज़्यादा सदमा पड़ा क्योंकि उनकी तो पूरी ज़िंदगी बिखर गई। फिर वो किस तरह अपनी ज़िंदगी फिर बनाने लगे यहाँ पर, एंड नाउ वो सदमा उसके दिल में बहुत है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। बहुत सालों के बाद वो वापस श्रीनगर जाती है, बहुत गुस्सा है अंदर, शी डजंट वांट टू हैव टू डू एनीथिंग विद दैट प्लेस, शी इज गोइंग ऑफ टू साइन ऑफ हर हाउस, सेल इट ऑल ऑफ। वहाँ जाती है और उसे मिलती है रुबीना जो कि उसके बचपन की दोस्त रही है। अब वो जो दो दिन वहाँ गुजारती है, किस तरह इन दोनों का उस वक्त मिलाना, उनकी बातें, किस तरह इसका पूरा व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है, दैट इज़ द स्टोरी। उनीर बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे डायरेक्टर, बहुत सेंसिटिव हैं। इस तरह की फिल्म को सपोर्ट करना मेरे ख्याल से ये सबका एक तरह से कर्तव्य बन जाता है क्योंकि हम लोग बोलते रहते हैं अच्छा अच्छी कहानियाँ नहीं हैं, हमारे बच्चे पता नहीं क्या देख के बड़े होंगे, हम लोग वही चीज़ देखते हैं, लेकिन इसका सारा बर्डन तो हम ही पे है। इसीलिए अगर हम इस तरह की फिल्में सपोर्ट करें, चाहे हमें अच्छी लगे नहीं लगे, इसके बाद डिस्कशन ज़रूर होगा, डायलॉग ज़रूर होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी फिल्म देखकर आप चुपचाप जाके बस खाना पीना और उसकी बातें कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर झंझोड़ेगी। एंड आई विश आई एम ऑल द बेस्ट। मुझे नहीं पता, हाँ ये नहीं कह सकती कि इसमें बड़े स्टार्स हैं और लोग ना उछल कूद कर सीधा थिएटर में पहुँच जाएंगे, मगर मुझे लगता है ये एक ऐसी फिल्म ज़रूर है जिसके बारे में आप बात करेंगे। अगर आपने देखी है तो आप सिर्फ थिएटर में इस फिल्म को छोड़कर नहीं जाएंगे।